First of all, we should bear in mind that India is not simply a geographical expression. India is a country, and equally, it's a civilization. Indian civilization is an unending celebration of human pluralism. Pluralism accommodates differences, and differences enact and embody dissent. Over the years, India has been preaching, rather over the centuries, India has been preaching the doctrine of live and let live. ये जो बिल लाए हैं ये मत आप लोग बाहर तो ये फैलाने का कोशिश करेंगे कि कांग्रेस हिंदू को विरोध में चले गए, क्योंकि एक हिंदू विरोधी बिल में कांग्रेस समर्थन कर दिया. हम हिंदू विरोधी बिल, ये हिंदू का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं. हम हिंदू का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा है. एनआरसी के चलते हम लोग ये कहा था कि जेन्युइन जो सिटीजन है हिंदुस्तान में, वो जेन्युइन सिटीजन जो यथार्थ नागरिक है, वो यथार्थ नागरिक को हिंदुस्तान में रहने का मौका दिया जाए. ये जो बिल लाए हैं इसमें भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ये बिल में आप किसी पीड़ित समुदाय को आपने शरण देने चाहते हैं, इसका कोई विरोध हमें नहीं है. हमारा विरोध ये है कि इसका क्राइटेरिया रिलीजियन हो रहे हैं. इसका क्राइटेरिया रिलीजियन होते हुए हमारा जो संविधान की ढांचा है, ये ढांचा को प्रहार करते हैं. ये जगह हमारा विरोध है और दूसरा कोई नहीं विरोध हमारा. आप ये जगह को थोड़ा सुधारिए और ये बिल को सही दिशा पे सही ढंग से पेश कीजिए. आज जो अमित शाह जी कहते थे कि करोड़ों से तादाद की लोग घिनौने की जिंदगी गुजर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, हमारे यहां राजनाथ सिंह जी भी बैठे थे, वो राजेंद्र अग्रवाल साहब भी अभी सो रहे हैं, उनको कहना है कि जेपीसी में जेपीसी की जो तथ्य है उसमें टोटल नंबर ऑफ साथ पर्सिक्यूटेड पर्सन, टोटल नंबर ऑफ साथ पर्सिक्यूटेड पर्सन वाज अराउंड 31,313. आउट ऑफ दैट हिंदू 25,447, सिख 5,807, क्रिश्चियन 56, बुद्धिस्ट 2, पार्सिस्ट 2. मेरा कहना है कि हमारे पास हमारे हिंदुस्तान में कोई दूसरा हमारा कोई प्रोविजन नहीं है इतना कानून के अंदर इन्हीं लोगों को सही दिशा में मदद करे और हिंदुस्तान में रहने का इंतजाम करे. सब कुल मिलाकर 31,313. तो यू आर मेकिंग एडो अबाउट नथिंग. हमारा विरोध किस लिए है? हमारा विरोध इसलिए है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है. ये इस जगह हमारा विरोध है. द आर्गूमेंट ऑफ पर्सिक्यूटेड रिफ्यूजीज कैन बी डेल्ट by making separate provision through appropriate amendments in the current laws for accommodating refugees, granting them legal status and fast tracking their admission to Indian citizenship should they apply for it. A separate discriminatory law is not needed for it. There lies our contention. ye discriminatory ho rahe hain, ye hamara virodh ki ye mudda hai. Commissioner ji keh rahe the subah ki हमारे इसमें कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन है. मैं आपको यह विरोध करते हैं अमित शाह जी, क्योंकि दी बिल फेल द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एज सेट आउट इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द टू फोल्ड टेस्ट रिलाइज ऑन टू प्रिंसिपल, दैट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव एंड द लेजिस्लेशन. इफ वी टेस्ट दिस बिल ऑन रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इट फेल्स एज the classification sought is to differentiate between person who will be granted relaxation in the domiciliary requirement and those who will not. Since at present it excludes illegal immigrants only on religious grounds,
with no reasonable explanation, the next step is on object sought to be achieved. Putting a qualification based on religion has no rational nexus to achieve that object, unless the object is to project India as a Hindu state. So, मुझे लगता है कि आप हिंदू राज्य बनाने के लिए इस दिशा में आ रहे हैं. If you want to turn India into a homeland, that is different issue. लेकिन ये धर्मनीय स्पष्टता की बात करते हुए आप सिर्फ छह समुदाय, तीन देश, बाकी सारे बाद, ये नहीं हो सकता. आप नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे साथ आपने नया तो भूगोल सिखा दिया. अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर है, चाइना से बॉर्डर है, म्यांमार में भी हिंदू टॉर्चर होते हैं, नेपाल भूटान सबसे बॉर्डर है, किसी से नहीं लिया आपने. तमिल श्रीलंका से बॉर्डर है, किसी को नहीं लिया आपने, सिर्फ लिया ये तीनों राष्ट्र को, क्योंकि ये मुस्लिम राष्ट्र है. तो मुस्लिम राष्ट्र तो क्या है? हमारे देश में जुग जुग से हम रविन्द्रनाथ टैगोर को दो चार पंक्तियां यहां जिक्र करना चाहते हैं. के हो नहीं जाने का राहो बने कतो मानुषेर धारा, दुर्बार सोते एलो कोता होते समुद्रे होलो हारा. एसो हे आर्य, एसो अनार्य, एसो द्राविड चीन, शक हुंडल मोगल पठान एक देहे होलो लीन. पश्चिम आज खुलियाछे द्वार, श्वेता होते आसे कत उपहार, देवे आर नेबे मिलाबे मिलिबे जाबे ना फिरे एई भारतेर महामानवेर सागर तीरे. इंडिया इंडिया इज ए ओशन अफ ह्यूमैनिटी. आप ये इसको आप नकारना नहीं चाहिए, इसको आप धस मत कीजिए. आपको अगर जरूरत पड़े आप रिफ्यूजी कानून लाइए, आपको अगर जरूरत पड़े असैलम कानून लाइए. आप कहते हैं कि करोड़ों लोगों को घिनौने जिंदगी गुजरने का अभी हालत तय हो गया, और आप कह रहे हैं कि 70 साल से किसी ने कुछ नहीं किया. अगर किसी ने कुछ नहीं किया होता तो यह किताब कहां से आते? द सिटीजनशिप एक्ट 1955, पासपोर्ट एक्ट कहां से आते? फॉरेनर्स एक्ट कहां से आते अगर हम लोग किसी ने नहीं किया होते? हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी क्या किया या नहीं किया, ये इतिहास गवाह है. आजादी की समय से आज तक आप लाइए, आजादी की समय एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दूसरी तरफ सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके साथ खान शनवाज खान, यहां विनय बदल दिनेश, यहां भगत सिंह, यहां अशफाक उल्ला. किसने नहीं किया हिंदुस्तान के लिए? आज वो हिंदुस्तान बने हैं बहुत मेहनत के बाद, बहुत खून बहाने के बाद वो हिंदुस्तान बने. हिंदुस्तान को तोड़ना नहीं, जोड़ने का काम करो. मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मेरा समय बड़ा कम है, मैं सिर्फ दो तीन सवाल पूछना चाहते हैं माननीय गृहमंत्री जी से. अच्छा, 19 लाख जो एनआरसी से जिनको नाम छूट गया उनका क्या होगा? क्योंकि इसका बाद ये एनआरसी आप लाओगे, हर स्टेट में एनआरसी लागू करोगे, आपका ये रवैया है. तो हिंदुस्तान में 27 राज्यों में एनआरसी होगा, लेकिन 19 लाख जो एनआरसी में छूट गए हैं उन लोग का क्या होगा, पहले बताओ. दूसरे एक मुद्दा उठाना चाहते हैं, हमारा आईन मंत्री जी है, कानून मंत्री जी है सर, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड वन सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन टू एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर द 26th डे ऑफ जनवरी 1950 बट बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1987. रविशंकर जी प्लीज सुनिए मेरा बात. ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1987 बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2003 एंड आइदर ऑफ द पेरेंट इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2003 वेयर बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और वन ऑफ हूज पेरेंट इज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द अदर इज नॉट एंड मैंने हो गया मेरा 10 मिनट टाइम. ऑफ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया वन ऑफ हूज पेरेंट इज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. रवि जी शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ ए चाइल्ड बोर्न इन इंडिया आफ्टर 2003 वन ऑफ हूज पेरेंट इज एन इलीगल माइग्रेंट शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. व्हाट हैज हैपेंड इन असम
after NRC exercise was undertaken, 19 lakh people was identified who was not granted citizenship. Out of these 19 lakh people, there are two categories of people. One category is of persons who are born in another country, but they illegally migrated to Assam. Madam, ho gaya, madam, ho gaya. मैडम हो गया मैडम प्लीज ये बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं आप तीन लाइन बाकी है मैं बोल रहा हूँ दी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर बोर्न इन इंडिया बट देयर पेरेंट्स आर इलीगल माइग्रेंट दीज पर्सन डू नॉट हैव ए कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया इज देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड इफ द गवर्नमेंट डज नॉट गिव देम सिटीजनशिप दीज कैटेगरी ऑफ पीपल विल बिकम स्टेटलेस This is a very serious issue. I feel that neither the government nor the judiciary has applied their mind on this issue. Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights, General Assembly of the United Nations has proclaimed that everyone has a right to nationality and no one shall be arbitrarily deprived of his nationality or denied the right to change his nationality. Whatever be the color of the cow, the milk is white. Whatever be the religion, the essence is humanism. India should maintain the essence of